पटना के गांधी मैदान में कारगिल चौक पर सेंट मेरी स्कूल के जो बच्चे हैं वो एक मार्च कर रहे हैं, और इस मार्च में वो साइंस के लिए ये मार्च कर रहे हैं। आप देख लें तस्वीरों में, बच्चे जो हैं उन्होंने पोस्टर्स बैनर्स लिए हुए हैं, और वो साइंस से जुड़े हुए जितने भी पोस्टर्स हैं, इन पोस्टर्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो एक संदेश देना चाह रहे हैं सरकार को, कि जिस तरह से साइंस पर बाकी देश खर्च करते हैं उसी तरह से भारत को भी इस साइंस पर खर्च करना चाहिए। हमारे साथ इस स्कूल के एक टीचर जुड़े हैं, उनसे हम जुड़ेंगे। सर, आप लोग आज किस चीज़ को लेकर ये मार्च कर रहे हैं? यह मार्च निकाला गया है इंडिया की मार्च फॉर साइंस। आज पूरी दुनिया में जहां विज्ञान के तकनीकी पक्ष का उपयोग उद्योगों के विकास में और चीज़ों में किया जा रहा है, वहीं चिंतन के क्षेत्र में घोर अवैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा दिया जा रहा है, अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे आज के पढ़े लिखे लोग और जो भावी पीढ़ी या छात्र नौजवानों की ये अंधविश्वास का शिकार हो रहे हैं। इसके संबंध में जागरूक करने के लिए आज यह मार्च निकाला गया है। विज्ञान का उपयोग शांति के लिए होना चाहिए, न कि युद्ध के लिए। विज्ञान का उपयोग तरक्की के लिए होना चाहिए, न कि विनाश के लिए। आज देश दुनिया में जो शोषण मूलक पूंजीवादी व्यवस्था है, वह अपने हित में लोगों के अंदर अवैज्ञानिक चिंतन ही नहीं, अस्त्र शस्त्र निर्माण करके दुनिया की शांति को खतरे में डाले हुए हैं। लोगों को जागरूक करना, ताकि छात्र नौजवान से लेकर बुद्धिजीवी, पत्रकार, शिक्षक, किसान, मजदूर सभी जागरूक हों, और वो दुनिया की तरक्की में जो योगदान कर रहे हैं, साथ साथ दुनिया में साइंस शांति कायम रखना है, तो इस विज्ञान को अगर की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो हम शांति को भी कायम नहीं रख पाएंगे। इसी सोच के को लेकर के आज का यह मार्च निकाला गया। नाम बताइए। मणिकांत पाठक, सेवानिवृत्त शिक्षक। इंडिया मार्च फॉर साइंस जो है, बस साइंस का बारे में पूरा भारतवासियों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उनके जानकारी देने के लिए किया जा रहा है। इंडिया में जो है सरकार जो भी बजट पास करता है उसमें साइंस का या विज्ञान के लिए ज़्यादा पैसा आवंटन नहीं करता है, और हम लोग विदेशों पर निर्भर रहता है हथियार लेने के लिए, विमान लेने के लिए, और देश का जीडीपी का 50 से अधिक भाग हम दूसरा देशों को दिया जा रहा है। इसको रोकने के लिए साइंस का बढ़ोतरी करना, साइंस विज्ञान का रिसर्च करना बहुत जरूरी है। तो यह का इस चीज़ का गवर्नमेंट को, सरकार को अवगत करने के लिए हम लोग इसका आयोजन किया गया है। आई एम मंसू फ्रॉम सेंट मेरीज हाई स्कूल क्लास 10th। Today is Nagasaki Day. On this day, America had dropped an atomic bomb on Hiroshima and Nagasaki. One of the biggest misconception about the science is that science is made only for war. But this must be clear from the minds of all people of India, as well as of the mind of the world, minds of the peoples of the world, that science is made for peace, humanity, mankind, not for the peace. And already our government is not supporting for the scientific research experiment, so we must say to our government that they must focus on they must give some fund give more fund to give more fund give more support to the scientists, to the scientific, to the students who have scientific temperament, to the student who have scientific outlook. We must give that, and our government must support this. And we already know that our government is not supporting us, and the GDP what is it giving is very low. All country, the one of the basic mantras of the development of the country is only the development of science. Development of science means development of a nation. So we must focus on the science. So when the development of science will occur, then only our country will prosper.
सो द डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ साइंस इज द डेवलपमेंट ऑफ नेशन. थैंक यू. तो ये हमारे साथ सेंट मेरी के टीचर्स थे, उन्होंने ये बात कही है कि अगर इस दुनिया को बचाना है तो विज्ञान को लेकर चिंतन करना होगा, विज्ञान को सही दिशा में लेकर जाना होगा. वहीं जहाँ पूरे देश जो है, जो दूसरे देश हैं वो विज्ञान को लेकर खर्च करते हैं, वहीं भारत देश को भी विज्ञान पर खर्च करना चाहिए, ऐसा इनका मानना है. देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज़ के साथ. खबरों को